हेलो एवरीवन आज हम कवर अप करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर इलेवन ऑडिट कमेटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस के चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स मे 22 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है उनको चैप्टर इलेवन दो मेन टॉपिक हैं इसके अंदर एक ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा सेबी एल रेगुलेशंस 2015 सेबी एल रेगुलेशंस में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आ रही हैं एंड 2021 में भी इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जो अमेंडमेंट सेबी एल रेगुलेशंस के अंदर हमारे सिलेबस के लिए हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उनमें से एक अमेंडमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बट बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं बहुत छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट नेचर की अमेंडमेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट सेबी ओ रेगुलेशन की रेगुलेशन नंबर 18 के अंदर जो ऑडिट कमेटी के प्रोविजन है उसमें जब हम रोल ऑफ ऑडिट कमेटी एज पर शेड्यूल टू कवरअप करते हैं तो उस रोल के अंदर एक नया रोल एड ऑन किया गया है पॉइंट नंबर 22 टू दट इज ऑडिट कमेटी का एक और फंक्शन बताया गया है क्या दैट इज दे आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर एंड कमेंट किसके ऊपर ऑन रेशनल कॉस्ट बेनिफिट एंड इंपैक्ट रेशनल कॉस्ट बेनिफिट एंड इंपैक्ट किसका रिस्ट्रक्चरिंग की जो स्कीम्स होती है मर्जर की एमल कमीशन की डी मर्जर की उन स्कीम्स का क्या इंपैक्ट है लिस्टेड एंटिटी के ऊपर एंड उनके शेयर होल्डर्स के ऊपर सो एज ए ऑडिट कमेटी दे आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर एंड कमेंट फर्स्ट वन दे आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर एंड आफ्टर कंसीडरिंग दे नीड टू कमेंट नाउ क्वेश्चन राइज वट दे नीड टू कंसीडर एंड कमेंट ऑडिट कमेटी नीड्स टू कंसीडर थ्री एस्पेक्ट्स क्या क्या चीजें नंबर वन रेशनल दैट मींस कि एक कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है मर्जर डीमर्जर एमलगमेशन क्यों कर रही है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा लिस्टेड एंटिटी के ऊपर एंड शेयर होल्डर्स के ऊपर उसको कंसीडर करना है एंड बेस्ड अपॉन द कंसीडरेशन जो प्रॉपर कमेंट्स बनते हैं उन कमेंट्स को देना सो ऑडिट कमेटी इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर एंड कमेंट व्हाट रेशनेल कॉस्ट बेनिफिट एंड इम्पैक्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स लाइक एमलगमेशन मर्जर डी मर्जर एटसेट्रा किसके ऊपर ऑन द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स शेयर होल्डर्स So, ये पहली अमेंडमेंट है जो शेड्यूल टू के पार्ट सी में रोल ऑफ ऑडिट कमेटी में नया पॉइंट एड ऑन किया गया है यह अमेंडमेंट एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है कि इसके ऊपर अलग से कोई डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या केस स्टडी के अंदर इसको पूछा जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता नेक्स्ट नेक्स्ट अमेंडमेंट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी रेगुलेशन सेबी ओ रेगुलेशन अब उसमें जो सेबी सैबीएल रेगुलेशन की एप्लीकेबिलिटी थी उसमें दो पॉइंट में चेंज किया गया है यह भी अपने आप में एक इनसिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है क्या है वो पॉइंट जो पहला पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि सैबीएलओडीआर रेगुलेशन अप्लाई होगी एक लिस्टेड एंटिटी के ऊपर जिन्होंने अपनी इन सिक्योरिटीज को लिस्टेड करा रखा है पहला पॉइंट है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और एस एक्सचेंज और पहले वर्ड हुआ करता था यहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म नंबर दो जो सेकेंड पॉइंट है इसका सेकेंड पॉइंट के अंदर यहां पर सिक्योरिटीज के नाम लिखे हुए थे अलग अलग क्या क्या नाम लिखे हुए थे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज उन सबको हटाकर एक सिंगल नाम यहां पर डाल दिया गया दट इज नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी ये दूसरी अमेंडमेंट है जो अपने आप में इनसिग्निफिकेंट ही है कि एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन फाइनल लेवल पर मुझे तो नहीं लगता कभी पूछा जाएगा एंड पॉइंट टू रिमेंबर यह भी एज सच याद करना चाहो कर लेना छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो ऐसा कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है क्या कहा गया इसमें कहा गया कि जिन कंपनीज के ऊपर बेस्ड अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेगुलेशंस के प्रोविजंस अप्लाई हो गए एक बार एंड लेटर ऑन यदि वो थ्रेश लिमिट के नीचे भी चली जाती है स्टिल प्रोविजन आर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन विच बिकम एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया बहुत सारी रेगुलेशन है जहां पर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पर बात करते हैं फाइव हंड्रेड लिस्टेड एंटिटीज टॉप थाउजेंड टॉप टू थाउजेंड They shall continue to apply even if the entity fall below such threshold. And similarly, provisions of these regulations which become applicable to listed entities kiss basis per on the basis of criteria of value of outstanding listed debt securities. शेल कॉन्टीन्यू टू अप्लाई टू सच एंटिटीज इवन दे फॉल बिलो सच थ्रेसोल्ड एज मैं सब रेगुलेशन एज ये पॉइंट डाला गया है सैबी एल ओ डी आर रेगुलेशन में कि एक तो इक्विटी लिस्टेड होती है और दूसरे डेट लिस्टेड होते हैं लिस्टेड एंटिटी की डेफिनेशन कंपनी लॉम के अंदर भी चेंज हुई कि काफी सारी एंटिटीज को जो इक्विटी लिस्ट नहीं करा रहे रातर दूसरी सिक्योरिटीज को लिस्ट करा रहे हैं कंपनी लॉ ने कहा फॉर द पर्पस ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट उनको लिस्टेड एंटिटी की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा लिस्टेड एंटिटी की जो डेफिनेशन कंपनी एक्ट के अंदर चेंज हुई तो अब क्या हुआ उसके अंदर बेसिकली कौन सी कंपनी डाली गई वो एंटिटीज जिन्होंने अपनी इक्विटी को लिस्ट नहीं करा रखा रादर डेट को लिस्ट करा रखा है या प्रेफरेंस शेयर्स की लिस्टिंग करा रखी है तो है तो लिस्टिड ही बट सिक्योरिटी इक्विटी ना होकर डेट या प्रेफरेंस शेयर्स थे तो ऐसी एंटिटीज को कंपनी लॉ ने तो कहा कि हम इनको लिस्टेड एंटिटी के डेफिनेशन से बाहर रख रहे हैं तो जो प्रोविजन कंपनी एक्ट के लिस्टेड एंटिटीज पर अप्लाई होते हैं वो ऐसी एंटिटी पर अप्लाई नहीं होंगे जो लिस्टेड एंटिटी जो अपनी डेट और प्रेफरेंस शेयर्स को लिस्ट करा रही है अब वही चीज क्या ऐसी एंटिटी को सेबी ने भी बाहर रखा लिस्टेड एंटिटी की डेफिनेशन से नो no. सेबी ने बाहर नहीं रखा सेबी ने उसका क्राइटेरिया बना दिया सेबी ने कहा जो हाई वैल्यू डेट सिक्योरिटीज लिस्टिड एंटिटी की उनको कंप्लायंस करना पड़ेगा तो इन्होंने हाई वैल्यू डेट सिक्योरिटीज हाई वैल्यू डेट की एक लिमिट बना दी जैसे रेगुलेशन पंद्रह वन ए इसके अंदर कहा गया कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन है वो उन लिस्टेड एंटिटीज पर भी अप्लाई होंगी जिनके आउटस्टैंडिंग डेट 500 करोड़ रुपीस और मोर है 500 करोड़ रुपीस और मोर तो यदि किसी एंटिटी का डेट जो लिस्ट है 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का लिस्ट है लेकिन बाद में वो पांच सौ करोड़ से कम का रह गया तो क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर पंद्रह से सताइस क्या वो अप्लाई नहीं होंगी वो अप्लाई होंगी अभी भी तो यहां पर वही प्रोविजन आया कि प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन जो एप्लीकेबल हो गई लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट आउटस्टैंडिंग डेट सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है दे शेल कॉन्टिन्यू टू अप्लाई सच एंटिटीज इवन दे फॉल बिलो सच थ्रेश होल्ड एज मैं इन रेगुलेशन पंद्रह नेक्स्ट यह थी हमारी अमेंडमेंट इन रिलेशन टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन जिसमें इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म इसने रिप्लेस किया है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वर्ड को नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एटसेट्रा को रिप्लेस किया गया है नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज के साथ ये दो चेंज आए हैं और इसके अलावा प्रोविजन दिया गया कि यदि एक एंटिटी के ऊपर बेस्ड अपॉन द थ्रेशोल्ड सेबी रेगुलेशंस अप्लाई हो गई तो दे शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया था उसके नीचे कंपनी चली जाती है नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑब्लीगेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट के अंदर है बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट रेगुलेशन नंबर ट्वेंटी फाइव जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ऑब्लिगेशन की बात करता है इसमें प्रोविजन था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक ईयर में एटलीस्ट एक मीटिंग करनी होगी जहां पर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द में जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं देख क्या है पहले word लिखा हुआ था खाली ईयर अब कर दिया गया इसको फाइनेंशियल ईयर तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको एक मीटिंग करनी होगी अपनी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द मैनेजमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर इन ईयर और दूसरी अमेंडमेंट वो तो नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी हिज के साथ हर लगा दिया बस हिज के साथ हर लगाया है मींस कि मेल की जगह फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उनकी कंसेंट उनकी नॉलेज भी रिक्वायर्ड है वो तो ऑब्वियस है जनरल क्लॉजेज एक्ट इंटरप्रिटेशन के प्रोविजन जो इंटर में पढ़ रखे हैं आपने वहां पर ही का मतलब शी भी है हिस का मतलब हर भी है नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर ट्वेंटी सिक्स रेगुलेशन नंबर ट्वेंटी सिक्स जहां पर बात की गई है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनीज की कि, कितनी कंपनी में उनकी कमेटीज मेंबर हो सकता है प्रोविजन था कि ए डायरेक्टर दस कमेटी से ज्यादा में नहीं हो सकता चेयरपर्सन नहीं हो सकता पांच से ज्यादा में ऑल लिस्टेड एंटिटीज़ जिसमें वो ही या शी ही के साथ क्या लगा दिया शी डायरेक्टर है और जो ये पांच चेयरपर्सन दस टोटल कमेटी की लिमिट कंसीडर की जाती है इसके अंदर सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को तो कंसीडर किया जाएगा चाहे वो लिस्टेड है या नहीं एंड जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कंपनीज हैं हैं सेक्शन कंपनीज के अंदर कोई कमेटी मेंबरशिप है उनको नहीं कंसीडर किया जाएगा अब इसमें एक वर्ड और डाल दिया गया हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज तो यदि कोई पर्सन एक लिस्टेड एंटिटी के अंदर किसी कमेटी का मेंबर है तो जो दस की लिमिट है या किसी कंपनी में चेयर पर्सन है किसी कमेटी का तो चेयर पर्सन की जो पांच की लिमिट है वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में देखी जाएंगी चाहे वो लिस्टेड है या नहीं एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉरेन कंपनी सेक्शन एट कंपनी पहले ये तीन एक्सक्लूड थी अब साथ में यदि कोई मेंबरशिप है किसी कमेटी के अंदर इन्हें हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज वो भी कंसिडर नहीं होगी इस लिमिट के लिए तो ये एक वर्ड और डाला गया है हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज का ये रेगुलेशन नंबर 26 के अंदर अमेंडमेंट की गई है नाउ इसके बाद तो ऑब्लिगेशन के टॉपिक में तो यही दो अमेंडमेंट थी रेगुलेशन नंबर 25 में एंड रेगुलेशन नंबर 26 में और दोनों में ऐसी कोई भी मेन अमेंडमेंट नहीं है जिसके ऊपर कोई अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रेम हो ज्यादा से ज्यादा आएगा तो रेगुलेशन 26 के ऊपर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जा सकता है 10 की लिमिट 5 की लिमिट के लिए क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है एक्सक्लूड में पहले तीन थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फॉरेन कंपनी सेक्शन एट कंपनीज अब हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज भी एक्सक्लूड है उससे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर तो फुल फ्लेज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या केस स्टडी फ्रेम हो सकती है एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कुछ चेंज किए गए हैं कुछ नए पॉइंट्स डाले गए हैं जो चेंज हुए या नए पॉइंट हैं वो सारे रेड कलर के अंदर शो हो रहे हैं पहला पॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको एक कमेटी बनानी है ठीक है पुराना प्रोविजन है <coughs> इस कमेटी में मिनिमम तीन मेंबर होंगे यह पहले नहीं बताया गया था जिसमें मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे हाँ यह बात थी कि जो कमेटी है उसके मेंबर्स में मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होंगे बट मिनिमम कितने मेंबर होंगे यह पहले नहीं था अब प्रोविजन डाला है मिनिमम तीन मेंबर होंगे जिसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और यह पुराना ही प्रोविजन है कि यदि लिस्टेड कंपनी है हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर देन एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शेल कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सो जो अब प्रोविजन आ गया नया कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मिनिमम तीन मेंबर होंगे तो यदि मिनिमम तीन मेंबर हैं तो इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे एंड यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नंबर क्या होगा यदि मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में तीन मेंबर हैं तो तीन में मेजॉरिटी हो गई दो दो डायरेक्टर अब दो डायरेक्टर हैं तो एटलीस्ट वन एक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है इन दो में से इन दो में से और यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है तो टू थर्ड ऑफ थ्री दैट इज टू टू मेंबर्स शेल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है तो इस कंपनी में यदि तीन मेंबर है मुझे एक दो तीन तीन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है दो डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और यदि आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है तो एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो इस कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी है और एक कोई भी पर्सन हो सकता है एनी पर्सन यदि कमेटी में चार मेंबर हैं मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की चाहिए मेजोरिटी सॉरी मेजोरिटी डायरेक्टर्स की चाहिए चार में मेजोरिटी आएगी तीन की एक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है तो फोर का टू बाई थ्री दट इज टू पॉइंट थ्री थ्री राउंडेड ऑफ टू थ्री तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए तो इस चार में कंपोजिशन क्या बनेगी तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस एक कोई भी रख लो बट यदि हम कहते हैं कमेटी में इन टोटल पांच मेंबर हैं, पांच में मेजोरिटी तीन की है एक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है और यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर है 3.33 ये सॉरी 2.67 बन रहा है ऊपर वाली कैलकुलेशन 3.33 पॉइंट थ्री थ्री दैट इज राउंडेड ऑफ टू फोर तो यदि पांच मेंबर हैं तो उसमें चार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक अदर यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी है तो यदि आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी नहीं है तीन डायरेक्टर जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाकी दो कोई भी हो सकते हैं यदि कंपनी में छह डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में छह मेंबर हैं, मेजॉरिटी चार की एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है यदि कंपनी में सात मेंबर हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में और सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है देन तो इस सात का टू थर्ड सात का टू थर्ड बन गया आपका फोर पॉइंट सिक्स सेवन पांच मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और दो कोई भी हो सकते हैं तो ये एक प्रोविजन डाला गया है मिनिमम तीन चाहिए तीन में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर भी हैं इन दैट केस टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ दिस कमेटी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आगे यह पुराना ही पॉइंट है कि जो चेयरपर्सन है इस कमेटी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मेंबर होना चाहिए और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो इस कमेटी के मेंबर बन सकते हैं यह अमेंडमेंट है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पहले प्रोविजन था एटलीस्ट वंस एक बार मीटिंग करेगी अब प्रोविजन है एटलीस्ट ट्वाइस साल में कम से कम दो बार मिलेगी साल में कम से कम दो बार मिलेगी पहले प्रोविजन था वंस का अब हो गया ट्वाइस का क्योरम यह नया प्रोविजन डाला गया जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग्स हैं उसमें कम से कम दो मेंबर या वन थर्ड विच एवर इज हायर एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल बी देयर इन अटेंडेंस दो मेंबर और वन थर्ड विच एवर इज हायर एक डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है नेक्स्ट प्रोविजन ये भी नया है मीटिंग्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पहले एक ही थी कोई गैप की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी अब एक साल में दो मीटिंग है तो जो मीटिंग है कंटिन्यूस बेसिस पर हो और उनके बीच का गैप 180 डेज से ज्यादा का नहीं होना है. गैप इन बिटवीन द टू मीटिंग शेल नॉट बी मोर देन वन एटी टू डेज अच्छा बुक में या अमेंडमेंट नोट में किसी एक जगह पर एक एरर है जहां पर 180 की जगह 182 लिखा गया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा इट इज 180 हंड्रेड एटी डेज नॉट वन डेज ये प्रोविजंस पुराने हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन डिफाइन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइन करेंगे एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शेल मैंडेटरली इंक्लूड द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन दैट आर स्पेसिफाइड इन पार्ट नंबर डी ऑफ शेड्यूल नंबर टू ये तो पुराने प्रोविजन है नया प्रोविजन क्या है रादर अमेंडमेंट पहले रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के प्रोविजन एप्लीकेबल थे टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन बट अब थाउजेंड पर टॉप थाउजेंड लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज के प्रोविजन अप्लाई होंगे नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास पावर है टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय ऑप्टेन आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस एंड टू सिक्योर द आउट अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर विद रेलिवेंट एक्सरसाइज इफ इट कंसिडर्डेसरी तीन नंबर जिसमें मेजोरिटी बोर्ड की होगी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा मीटिंग साल में दो बार दो मीटिंग के बीच का गैप वन एटी डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए क्यों दो मेंबर और वन थर्ड विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन डायरेक्टर वन डायरेक्टर वो डायरेक्टर कोई भी हो सकता है सो so, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर ट्वेंटी फोर के अंदर एक माइनर चेंज आया है पॉइंट नंबर फाइव जिसमें यह बात लिखी गई थी कि एक लिस्टेड एंटिटी अपनी किसी मेटेरियल सब्सिडियरी में अपनी इन्वेस्टमेंट को शेयर को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी या अपना जो कंट्रोल है वो सीज नहीं करेगी विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग तो यहां पर जो शेयर होल्डिंग थी वो था लेस देन फिफ्टी परसेंट बट अब है लेस देन के साथ ओर इक्वल टू और डाल दिया गया है सो अ लिस्टेड एंटिटी वो अपनी किसी भी मेटीरियल सब्सिडियरी में अपनी शेयर होल्डिंग को 50 परसेंट या उससे नीचे पहले था 50 परसेंट से नीचे नहीं लाएगी 50 परसेंट पर भी यदि आप ला रहे हैं देन जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है तो लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन लगाया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट ये मुझे नजर नहीं आती है क्योंकि इतने माइन्यूटली क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व नहीं किए है कि हैं कि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन इतने माइन्यूटली फ्रेम होते अमेंडमेंट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आई है रेगुलेशन नंबर 24 में सेक्रेटेरियल ऑडिट इसके अंदर कहा गया कि जो लिस्टेड एंटिटी है उनको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी है और अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट इन स्पेसिफाइड फॉर्म लगानी है ये तो पुरानी बात है नया क्या है नया है सेक्रेटेरियल रिपोर्ट की एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करनी है विद इन सिक्स डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के विद इन सिक्सटी डेज कॉपी ऑफ द सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट दट इज सर्टिफाइड बाई दिन इन प्रैक्टिस शेल बी सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज इन स्पेसिफाइडमेंट थी हमारी छोटी छोटी अमेंडमेंट इन रिलेशन टू सी एल ओ डी आर रेगुलेशन कॉरपोरेट गवर्नेंस के टॉपिक के अंदर सो so, इस सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक की अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच गुड बाय टेक केयर